नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। यूपी के चित्रकूट मऊ तहसील में राम सिंह पटेल भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने तहसील परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान द्वारा मऊ तहसील परिसर में पहुंचे, जहां 3 दिनों से चल रहे किसानों के क्रमिक अनशन को तुड़वाया और बोले कि सरकार का MSP कानून कहां गया, किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। सभी किसान 31 दिसंबर को कलेक्ट्रेट चित्रकूट ट्रैक्टरों में भरकर धान पहुंचाएंगे। अगर 31 दिसंबर को धान की खरीदारी नहीं होगी तो सारे किसान धान में आग लगाकर धान की होली जला देंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा कि इसके जिम्मेदार जिला अधिकारी चित्रकूट होंगे। और जो तौला जा रहा है उसमें उगाही किसानों से की जा रही है। खुले मार्केट में 1100, 1200, 1300 का धान बिक रहा है। किसान पूरी तरह लुट रहा है और माननीय मोदी जी कहते हैं MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। तो कहाँ MSP मोदी जी की? आज ये किसान गली गली भटक रहा है इस तरह की सर्दी में, यहाँ क्रमिक अनशन में बैठा है। मैंने इस धरने को खत्म करा दिया है और 31 तारीख को कलेक्ट्रेट के ऑफिस में सारा किसान ट्रालियों में धान लेके जाएगा और वहाँ अपना धान तौलाएगा। अगर धान नहीं तौलेंगे तो 31 दिसंबर को किसान धान की होली जलाएगा, 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 जिसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी चित्रकूट की होगी। जय जवान, जय किसान। फिलहाल 3 दिनों से किसान धान खरीदी की समस्या को लेकर मऊ तहसील में क्रमिक अनशन कर रहे थे, मगर कोई भी सरकारी अफसर उनकी समस्या को सुनने नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।